होंगे जो सूर से दूरी के क्रम में पाए जाते हैं। तो सूर के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है उसका नाम है बुध। सबसे पहले बुध आएगा और सेकेंड नंबर पे जो प्लैनेट है इसका नाम है शुक्र। तो दो नंबर पे कौन सा प्लैनेट है शुक्र। और तीसरे नंबर का जो प्लैनेट है उसका नाम है पृथ्वी। तीन नंबर पे पृथ्वी है। चार नंबर पे देखें मंगल। नाम थे मंगल। चार नंबर पे जो प्लैनेट पाया जाता है उसका नाम है मंगल। और पांच नंबर पे जो प्लैनेट है उसका नाम है बृहस्पति। पांच नंबर पे क्या नाम है बृहस्पति। और छह नंबर पे जो प्लैनेट है शनि। शनि इनका नाम हो गया शनि। और सात नंबर पे जो प्लैनेट है अरुण। क्या नाम बताए अरुण। इनका नाम अरुण। और लास्ट में आठ नंबर इसका नाम है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। इधर से देखो वरुण अरुण शनि बृहस्पति मंगल पृथ्वी शुक्र। याद हो गया। एक बार इंग्लिश में देखिए इनके नाम। इंग्लिश में इनका नाम है जो बुध है इनका नाम है मरकरी। बुध को क्या बोलेंगे मरकरी। और सेकेंड नंबर पे जो है जिसको मैंने हिंदी में शुक्र बोला था इनका नाम है वीनस। नाम है वीनस। तो शुक्र को क्या कहते हैं वीनस। और थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट है जिसको इंग्लिश में हिंदी में पृथ्वी और इंग्लिश में अर्थ कहेंगे। मंगल को इंग्लिश में कहते हैं मार्स। मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं मार्स। तो इनका नाम हो गया मार्स। पांच नंबर पे जो प्लैनेट है जिसे बृहस्पति बोला गया था तो इंग्लिश में इन्हें जुपिटर बोला जाएगा। इनका नाम क्या हो गया जुपिटर। तो पांचवें नंबर पे कौन सा प्लैनेट है जुपिटर। और छह नंबर पे जो है इनका नाम शनि बताए थे। शनि को इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। शनि को क्या कहेंगे सैटर्न। इसके बाद सात नंबर पे है इनका नाम मैंने बताया था अरुण। अरुण को क्या कहेंगे इंग्लिश में यूरेनस। आ से अरुण याद रखना। आ से यूरेनस बोल दीजिए। अरुण को यूरेनस। अरुण का क्या नाम है यूरेनस। और सैटर्न शनि। सा से शनि सा से सैटर्न। तो आपका कोरिलेट हो गया आराम से है ना याद हो गया। इनका नाम है वरुण। इनका नाम क्या है वरुण। इंग्लिश में इसे नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून। इंग्लिश में क्या कहते हैं नेपच्यून। तो इंग्लिश के नाम याद हो गए। यस सर। आप बताओ क्या नाम है आपका मंगल। आपका वीनस। आप बताओ मार्स। आपका नाम क्या बताया जल्दी बोलो बेटा। क्या नाम बताया जुपिटर। जुपिटर। आपका नाम सैटर्न। आपका नाम क्या है सैटर्न। यूरेनस। 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 नेपच्यून। आपका नाम क्या है नेपच्यून। तो इस प्रकार से हमारे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब देखिएगा इनमें से जो आठ प्लेनेट है पूरे सौर मंडल में किसके ग्रह और ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सही पढ़े और ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन आठों में से दो प्लेनेट ऐसे हैं जो क्लॉक वाइज घूमेंगे। अर्थात क्लॉक वाइज मतलब है घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कैसे चलती जैसे मान लीजिए घड़ी बनी हुई है तो घड़ी ये सुई है ये कैसे चलेगी इधर ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी ऐसे ऐसे इधर क्यों जाएगी ना। तो जो घड़ी की दिशा में कोई चीज चले उसे क्लॉक वाइज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं क्लॉक वाइज। तो आठ में से दो प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉक वाइज अर्थात सीधे घूमेंगे। वो दो कौन कौन से हैं तो इनको याद रखने का तरीका है यूवी। यू यूरेनस। वी से वीनस। वी से वीनस। वीनस किसका नाम बताए थे वीनस इनका हो गया और यूरेनस अरुण का विशाल का नहीं बोलेंगे अब विशाल उसका नाम नहीं है आज से। आज से अरुण हो गया। तो यू भी याद रखना है यू से यूरेनस। वी से वीनस। ठीक। तो वीनस
और यूरेनस, ये दोनों सीधे घूमेंगे इधर की ओर चलेंगे, ठीक। बाकी जो छह प्लेनेट बचे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इधर की ओर चलेंगे, ठीक। तो आप जो है अपनी जगह से इधर की ओर चलिएगा, ठीक। आप इधर की ओर चलो और आप भी इधर की ओर चलो सीधे डायरेक्शन में, ठीक है। बाकी लोग अपनी जगह से ऐसे चलना, जैसे ये खड़ी है इनको ऐसे चलना आपके राउंड, ठीक। चलिए चलना शुरू करो अपनी अपनी जगह, मैंने जिसको जैसे बोला है तुमको चलो, ठीक है चलो। आप लोग देखिएगा इसी प्रकार से, देखिए दो लोग हैं जो इधर की ओर चल रहे होंगे, चल रहे दो लोग, देखिए ये देखिए अर्थात वीनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण, ये सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूमते हैं। दिखाई दे रहा है कितने प्लैनेट ऐसे हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्लॉक वाइज घूमते हैं, दो क्लॉक वाइज, दो कौन कौन से दो प्लैनेट हैं, यूरेनस वीनस, वीनस शुक्र और अरुण, ये क्लॉक वाइज चल रहे हैं। बाकी लोग दो बे आकाशी चारों तरफ घूम रहे लोग, तो बे आकाशी पिंड जो सूर्य के चारों प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। नाउ स्टॉप।